हाँ तो बढ़ते हुए छोटे कंटेंट के चलते लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा कम हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा देर तक किसी चीज़ में टिकने की आदत नहीं रही है। ठीक है, और उन्हें चाहिए क्या? तेजी, बिल्कुल इसके जैसी। और इसके साथ साथ चाहिए क्या? परफेक्शन, बिल्कुल इसके मॉडल जैसा। क्या परफेक्ट बिल्ड क्वालिटी है? तेजी विथ परफेक्शन पॉसिबल है? वेल, इसका आंसर है हाँ। तो किसी भी काम को करने की शुरुआत कैसे करते हो? एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। प्री और प्रोडक्शन, एक बहुत प्रोफेशनल वर्ड हो जाएगा तो मैं प्रोडक्शन को रिप्लेस कर देता हूँ किससे? प्लानिंग से। अभी हो गया हमारा प्री प्लानिंग। तो हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडिटिंग एंड प्री प्लानिंग। ठीक है, आज मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ अपनी अच्छी कर ली ना प्री प्लानिंग, तो आपको शूट करने में ज़्यादा दिक्कत आई ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपने सारा सिलेबस कवर कर रखा है तो एग्ज़ाम देने में आपको क्या डर लगेगा। तो एडिटिंग से पहले अपनी प्री प्लानिंग इतनी मजबूत कर लो कि आपको एडिट करते हुए ज़्यादा दिक्कत आई ना। मतलब कि आप पहले ही ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर लो जिससे आपको बाद में डिस्टर्ब ही ना होना पड़े शूटिंग के दौरान। एक बार प्रॉपर समझाता हूँ, स्क्रिप्ट लिख लो, और स्क्रिप्ट लिखते वक्त ना मन में विजुलाइज करते रहो कि आप क्या है बोल रहे हो, क्या बोलने वाले हो, इन डेप्थ वीडियो में क्या बोलने वाले हो। उसके लिए आप, वैसे तो आप काफ़ी यूट्यूब पर प्रैक्टिस हैं कि मतलब बता सकते हो कि प्रैक्टिस कैसे करें कैमरे के आगे बोलने की। खैर मेरे को भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है अभी कैमरे के आगे बोलने की। अगर आपने प्री प्लानिंग अपनी अच्छी कर ली तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप कैमरे के आगे बोल लोगे। एक टिप और है कि आप ना एक काम और कर सकते हो, पहले से पहले ही अपने सारे SFX, म्यूजिक्स और जितने भी रोल्स हैं वो शूट और एडिट कर सकते हो पहले से पहले ही, ताकि आपको बाद में एडिटिंग करने के दौरान एक चीज़ भी शूट या ढूंढनी ना पड़े जिसमें आपको डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, यहाँ से एक हुक बनेगा आपकी एडिटिंग का फ्लो का, पूरी एडिटिंग एक फ्लो में बढ़ेगी आगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और आपकी जो प्लानिंग हुई है वो लगभग आपका 50% पार्ट कवर कर लेगी उसी टाइम। ठीक है, तो अब आप तैयार हो एक पूरी प्री प्लानिंग के साथ, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ। हो गया अपना 50% काम, और 50% काम अपना बचता है क्या? एडिटिंग। अब बाकी का अपना 50% पार्ट क्या है? एडिटिंग, जैसे मैंने बताया। तो करते हैं फिर उसे भी। तो एडिटिंग में आता है सबसे पहले अपना रिदम वर्क फ्लो। ये क्या बना है? अरे रुको रुको बताता हूँ। इसका मतलब है कि अपनी जो पूरी वीडियो है ना एक रिदम में फॉलो करो। एग्जाम्पल चलो बताता हूँ। सबसे पहले अपनी वीडियो को उठा के डाल दो टाइमलाइन पे। ठीक है, डाल दिया टाइमलाइन पर। ठीक है, और फिर उसमें लगा दो आप सारे कट्स, यानी कि उसे काट दो। नहीं, मैं लड़की बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कट्स ऑफ आवर वीडियो। अरे मतलब कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी वीडियो में कट लगा लो, सबसे पहले कटिंग कर लो जितने भी आपने पॉज लिए हैं बीच में। ठीक है, हाँ तो आपने लगा दी अपनी पूरी वीडियो में कट्स। अब करना क्या है आपको, सारे अपने बीरोल्स इकट्ठे कर लो, बीरोल्स लगा लो। मतलब रिदम में काम करना है, पहले सारे कट्स लगाने हैं, फिर बीरोल ढूंढ लो, फिर उसके बाद म्यूज़िक पे आ जाओ। यानी फिर अपनी सारी जो साउंड डिज़ाइनिंग होनी है, बाकी की साउंड डिज़ाइनिंग आप बाद में कर लेना, अपना जो पूरा म्यूज़िक है उसको ढूंढने के बाद। अब आपने सारे बीरोल्स और साउंड चिपका दिए, अब उसके बाद जो चीज़ आपको पसंद है वीडियो के अंदर, मतलब यानी आपको सैचुरेशन वगैरह ये सब जो मैनुअल चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी है, कलर ग्रेडिंग, ये सब आप इस टाइम कर सकते हो, आपकी एक प्रॉपर वीडियो निकल कर आ जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा, रिदम में वर्क फॉलो करा। और मैं बार बार रिदम रिदम क्यों गा रहा हूँ, मैं इसलिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि इससे आपका आपका टाइम बचेगा। हाँ मेरे साथ रह के वैसे समझदार हो गया है तू। और रिदम में वर्क करने का काफ़ी फ़ायदा भी है, बताऊँ कैसे? चलो आ गया, आ जाओ। तो आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट है, एग्जाम्पल ले लो, आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें आप बार बार बी रोल उठा के लगा रहे हो, बार बार कट्स लगा रहे हो, बार बार साउंड लगा रहे हो, उसमें आपको लगेगा लाखों घंटे, धरती पर आए हुए भी नहीं हुए अभी, पर उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो काम आप आधे घंटे में कर सकते हो ना, वो आप 45 से पूरे एक घंटे में करके दोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। बार बार साउंड लगा रहे हो, फ़ायदा क्या है इससे? तो एक बार पूरा बी रोल उठाओ, एक बार पूरी साउंड उठाओ, एक बार पूरी कट्स उठा दो, मतलब सारे कट लगा दो, सारे वीरल चिपका दो और सारे साउंड चिपका दो, फिर आखिरी में अपनी कलर ग्रेडिंग कर लो। मैं गारंटी दे सकता हूँ
आपकी जो 50-50% था, 50% प्री प्लानिंग और 50% एडिटिंग, ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो इन सब से होगा क्या, क्या आपका टाइम बचेगा और वीडियो फास्ट एडिट होगा। हाँ तो एग्री करते हो इन सब मेरी बातों से, 50% प्री प्लानिंग और 50% एडिटिंग मिलाकर आपका बना दिया 100% प्रोजेक्ट। तो एग्री करते हो तो सब्सक्राइब कर देना।